हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं क्रोशिए से एक सिंपल सा डिज़ाइन। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो ये सब मैं जो बनाती हूँ, ये मैं बिगनर्स के लिए बनाती हूँ, तो बिगनर्स के लिए सीखने में बहुत आसानी रहेगी। सो मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको सिंपल सिंपल टिप्स बताती रहती हूँ ताकि आप अच्छे से सीख पाएँ। तो सबसे पहले हमने एक सिंपल रो बनानी है, जो कि मैंने बहुत बार बताया है कि आपको वो किस तरह बनानी है। सिर्फ दो फिंगर्स के बीच में पहले आपने धागा पकड़ लेना है, इधर से आपने क्रोशिए को डालना है और इसको पूरा एक इस तरह से ट्विस्ट कर लेना है। इस तरह करने के बाद देखिए हमारा ये यहाँ पे एक लॉक सा बन गया है। अब हम यहाँ से क्रोशिए पे धागा लेंगे और इसको इस जो हमने ये नॉट बनाया है इसके बीच से निकाल देंगे। एक बार निकाल दिया, इसी तरह से आपने निकालते जाना है, क्रोशिए पे धागा लेते जाना है और इस नॉट में से निकालते जाना है। फिर से क्रोशिए पे धागा लेंगे, नॉट में से निकाल देंगे, फिर से क्रोशिए पे धागा लेंगे, नॉट में से निकाल देंगे। तो ये देखिए इस तरह से आपकी भी एक यहाँ ऐसे रो बनानी है आपने इस तरह से। तो बस इस तरह आप जितना भी लंबी बनाना चाहते हो, जितना भी आपका मेजरमेंट है उसके हिसाब से आप यहाँ पे उतनी ही लंबी रो बना के सबसे पहले तैयार कर लो। तो सबसे पहले सिंपल सी बात है, बस दो उंगलियों में इस उंगली के ऊपर आपने धागा को ऊपर चढ़ा लेना है और दो उंगलियों से आपने यहाँ से इसको पकड़ लेना है और बस उसके बाद क्रोशिए पे धागा लेते जाना है और ये जो नॉट है इसके बीच से निकालते जाना है। बस इतना ही सिंपल है ये। तो आप जितनी मर्जी लंबी यहाँ पे रो बना लीजिए। तो यहाँ पे मैंने देखिए ये रो बनाई है, इस तरह से हमारी रो बनी है, कितनी फिनिशिंग के साथ आई है। आप बस स्टार्टिंग में थोड़ा सा टफ लगेगा, बाद में बहुत इजीली आप बनाओगे। अब हमने क्या करना है फ्रेंड्स, क्रोशिए पे धागा लेना है और यहाँ पे पूरे हमने यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाने हैं। किस तरह से देखिए, यहाँ पे इस तरह क्रोशिए पे धागा लिया और हर एक पॉइंट में से निकालते जाएंगे। यहां से निकाला, आगे से क्रोशिए पे धागा लेके आएंगे और यहाँ पे तीन हो गए। अब पहले इन दो में से हमको निकालना है तो पीछे दो बच जाएंगे, फिर उन दो में से निकालना है। कैसे, क्रोशिए पे धागा लेंगे, पहले इन दो में से निकाल लेंगे, आगे वाले दो में से, अब ये जो दो बचे हैं इनमें से हम निकाल लेंगे, ठीक है। फिर इसी तरह से हमने क्रोशिए पे धागा लेना है, नेक्स्ट पॉइंट में से डालना है, आगे से क्रोशिए पे धागा लेके वापस आना है इस तरह से। अब तीन हो गए, पहले दो में से निकालेंगे इस तरह से, फिर दो में से निकालेंगे इस तरह से, ठीक है। ये तो हुआ हमारा डबल क्रोशिया। अब हम क्या करेंगे, दो हम नॉट्स लेंगे ऐसे ही, ठीक है। दो हमने ऐसे ही ले लिए, ये किसके लिए, जाली के लिए, मतलब जो हमने गैप देना है बीच में उसके लिए। अब हम क्रोशिए पे धागा लेंगे, नेक्स्ट हमारा क्या पॉइंट रहेगा, यहां से जिस पॉइंट में से हमने ये दो बनाए है ना, अब उसके आगे हमने दो छोड़ देने हैं, एक दो, दो छोड़, दो की जाली बनाई ना ऊपर, उतने ही दो नीचे हमने छोड़ देने हैं और उसके नेक्स्ट वाले से हमने बनाना है, इस वाले में से। तो हमने क्रोशिए पे धागा ले लिया, अब हम इस वाले में से बनाएंगे, ठीक है। इसमें से निकालेंगे, आगे से क्रोशिए पे धागा लेकर आएंगे, दो का एक, फिर दो का एक इस तरह से। अब फिर से क्रोशिए पे धागा लेंगे, सेम पॉइंट में से हमने दोबारा बनाना है, इस तरह से लाएंगे, दो का एक, फिर दो का एक। ये देखिए दो यहां बने, दो की जाली ऊपर दी और दो ही हमने नीचे भी छोड़ दिए और तीसरे वाले में से बना लिया। अब फिर से क्या करना है, दो की जाली, ठीक है। जैसे हमने यहां दो एक्स्ट्रा नॉट लिए, इसी तरह दो एक्स्ट्रा यहां पे लिए हैं हमने। अब हम क्या करेंगे, नीचे से दो छोड़ देंगे और तीसरे वाले में से बनाएंगे, ठीक है। क्रोशिए पे धागा ले लेंगे यहां से और दो को छोड़ के थर्ड वाले में से अब बनाएंगे, थर्ड वाले में से ले जाएंगे, आगे से क्रोशिया लेकर आएंगे, दो का एक, फिर से दो का एक, ठीक है। अब एक हो गया, अब हमने दोबारा से दूसरा सेम पॉइंट में से बनाना है, ठीक है। दो दो डबल क्रोशिया बनाते जा रहे हैं हम, दो दो पॉइंट्स छोड़ के। तो समझ रहे हो ना आप मैं किस तरह से बता रही हूं। अब हम क्या करेंगे, फिर से दो ऊपर एक्स्ट्रा जो नॉट्स लेंगे, किसके लिए, जाली के लिए, मीन्स कि हमें जो बीच में गैप देना है उसके लिए हम दो दो एक्स्ट्रा लेते जा रहे हैं। अब हम डबल क्रोशिया, फिर से क्रोशिए पे धागा लेंगे, दो पॉइंट्स को यहां से छोड़ देंगे और थर्ड पॉइंट में से फिर से बनाएंगे दो बार डबल क्रोशिया। एक बार ये हो गया, एक बार फिर से बनाएंगे सेम पॉइंट में से, दो का एक, फिर दो का एक। ये देखिए इस तरह से हमारा ये बन रहा है। बस थोड़ा सा ध्यान से आप देखोगे ना तो आपको बिल्कुल आराम से समझ आ जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से हमारा ये बना है। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से टर्न कर देंगे,
पीछे की ओर टर्न कर दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रोशिए पे दो बार यहाँ पे हम नॉट लेंगे, जैसे हम यहाँ बीच बीच में दो दो लेते जा रहे थे ना, इस तरह से हमने यहाँ पे दो और ले लेने हैं ऊपर की तरफ, ताकि हमारी ये नेक्स्ट रो स्टार्ट हो रही है। नीचे वाली रो हो गई, अब ऊपर वाली रो स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ पे हमने दो नॉट्स एक्स्ट्रा ले लिए। अब हम क्रोशिए पे धागा लेंगे, तो ये जो हमारे गैप हैं, इन गैप में से बनाते जाएंगे। किस तरह से, फर्स्ट देखिए, यहां से इस नॉट में से, इस गैप में से हम अंदर ले रहे हैं, आगे से क्रोशिए पे धागा लेके आ रहे हैं, तो यहां पे कितने हो गए, तीन। अब हमने करना है दो का एक, फिर दो का एक, ठीक है। अब फिर से क्रोशिए पे धागा ले लेंगे और सेम पॉइंट में से हम दोबारा निकालेंगे, दो का एक, दो का एक, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर से क्रोशिए पे आगे हम दो नॉट्स लेंगे क्रोशिए से, और बीच में ये जो दो का गैप आ जाएगा, तो इसके लिए हमने यहाँ पे दो नॉट्स ले लेने हैं। अब क्रोशिए पे धागा लेंगे और नेक्स्ट जो हमारा गैप है उसमें से बनाएंगे, दो बार हमने यहां से बनाना है, एक बार सेम नीचे की तरह ही बनाना है, जैसे हमने फर्स्ट रो बनाई है इसी तरह से सेकेंड रो भी बनानी है, दो बार, ठीक है। फिर से क्रोशिए पे यहां से हम दो नॉट्स एक्स्ट्रा लेंगे, क्रोशिए पे धागा लेंगे और आगे वाले गैप में से अब बनाएंगे, दो का एक, दो का एक, देन अगेन दो का एक, दो का एक, देन हम दो एक्स्ट्रा नॉट्स लेंगे, फिर से क्रोशिए पे धागा लेंगे और नेक्स्ट वाले में से दो बार नॉट्स, दो बार डबल क्रोशिया, दो का एक, फिर से सेकेंड टाइम दो का एक, दो का एक। ये देखिए इस तरह से ये पूरी जाली बनती जाएगी और आप ऊपर ऊपर बनाते जाओगे। अब जब आप इसको इस तरह से टर्न करोगे, अब क्या करोगे, इनमें से दो दो बनाते जाओगे, इसमें से दो बनाओगे, ये दो की जाली दोगे, दो गैप दोगे बीच में, फिर इसमें से दो बनाओगे डबल क्रोशिया, इस दो को गैप दोगे, इसमें से डबल क्रोशिया बनाओगे, इस दो को गैप दोगे, ठीक है। आपने इस तरह से बनाते जाना है और ये बहुत प्यारा सा एक डिजाइन बनता है। आप इसकी श्रग बना सकते हो, शॉल बना सकते हो, स्टॉल बना सकते हो, स्वेटर भी बना सकते हो, बहुत अच्छा लगता है इस तरह का डिजाइन। तो ये जो मेरी वूल है ना फ्रेंड्स, ये थोड़ी सी मोटी है, देखिए फिंगर के ऊपर देखिए कितनी मोटी मोटी लग रही है ये, इसलिए आपको यहाँ पे गैप थोड़ा बड़ा बड़ा लग रहा है। अगर आप पतली वाली ऊन लोगे ना, तो उसमें इतना बड़ा बड़ा गैप नहीं लगेगा। तो फ्रेंड्स देखिए, आप दो वूल में आप गैप देख डिफरेंस देख सकते हैं। सॉरी, ये देखो ये कितनी पतली है, ये नॉर्मल वूल है जो हम नॉर्मल यूज करते हैं ना, मीडियम साइज की, ये वो वूल है। तो देखिए ये वाली कितनी मोटी है, अगर आप इस वूल से बनाओगे ना, इस वाली से, तो वो बहुत छोटे छोटे से गैप आएंगे और बहुत सुंदर सा डिजाइन बनता है, जाली 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 टाइप, बहुत अच्छा सा डिजाइन बनता है। तो ये मैं मोटी से इसलिए बता रही हूँ ताकि आप अच्छे से सीख पाओ कि इसको किस तरह से बनाया जाता है, ठीक है। अब आपने देखिए फिर से इस तरफ टर्न कर लेना है इसको, और फिर से अब हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे दो का गैप दे देंगे, ये थर्ड रो हमारी स्टार्ट हो रही है ना, तो यहां से हम दो का गैप दे देंगे पहले। अब हम क्रोशिया पे धागा लेंगे, सेम यहां से दो बार बनाएंगे डबल क्रोशिया, एक बार फिर दूसरी बार, ये देखिए दो बार बन गया। यहां पे दो एक्स्ट्रा लेंगे पहले, क्योंकि हमने ये बीच के जो दो है ना, इसके लिए हमने जाली बनानी है। अब क्रोशिया पे धागा और नेक्स्ट वाले में से हम दो डबल क्रोशिया फिर से बनाएंगे, तो इस तरह का आपका कुछ डिजाइन आएगा। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर तक बना के फिर दिखाती हूँ आपको। तो फ्रेंड्स देखिए, जो साइड में हमने एक सिंगल लिया था ना, ये देखिए, जो नेक्स्ट रो स्टार्ट करने के लिए हम दो एक्स्ट्रा यहां से लेते हैं, तो जब आप सेकंड रो में इधर आओगे ना, तो इसके बीच से आप दो बनाओगे, ठीक है। जब यहां पे दो बनेंगे तो ये और ऊपर बढ़ता जाएगा। देखिए जैसे मैंने इस तरफ पे बनाया है, ये सिंगल लिया था हमने नीचे से, ये देखिए यहां से मैंने ये सिंगल लिया था, ये वाला, ये मैंने सिंगल लिया था, देखिए इसके बीच से मैंने दो बना लिए। अब तो ये हमारी ऊपर अच्छे से रो बनती जा रही है। अब हम इसको फिर से इस तरफ पे टर्न करेंगे, तो ये वाली रो मैं पूरी बना के फिर आपको यहां पे दिखाती हूं कि इधर आपने किस तरह से करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहां से लेके यहां तक मैंने पूरा बना लिया है। अब ये देखिए जैसे लास्ट में हम पहुंच गए, तो ये वाला जो गैप है, देखो यहां से हमने सिंगल ऊपर रो स्टार्ट करने के लिए दो एक्स्ट्रा लिए थे ना नॉट्स, उसके लिए अब हम क्या करेंगे, डबल क्रोशिया फिर से इसमें से दो बार बनाएंगे, ये देखिए, तो ये देखिए ये हमने यहां पे डबल क्रोशिया बना लिया। इससे क्या होता है कि जो आपकी साइड होगी ना, वो एकदम से स्मूथ सीधी सीधी चलती जाएगी,
ठीक है, नहीं तो कुछ आगे पीछे होता जाएगा। तो देखिए इस तरह से, ये इस तरह से डिजाइन बनेगा और इस तरह से जाली टाइप सी बनती जाएगी। आप इसकी श्रग बनाए ना, श्रग बहुत सुंदर लगेगी इसकी। शॉल वगैरह भी बना सकते हैं, स्टॉल जो नॉर्मल नेक में डालने के लिए हम स्टॉल बनाते हैं, वो भी बड़ी सुंदर लगती है इसकी। तो ये इस तरह का सिंपल सा डिजाइन है। मे बी आप लोगों को ये डिजाइन पसंद आया हो। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड्स। तो मिलते हैं फिर से नई एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय, टेक केयर।